ये हमेशा सोचना है, ये सिर्फ नाक का ट्यूमर है, इसने नाक में दम किया है और इससे ही निपटना है, इसके बारे में ही सोचना है। मेरा नाम सुरेश कुमार कश्यप है। 61.5 ईयर्स एज में मुझे नोज में ब्लीडिंग हुआ, तो मैंने भोपाल में दिखाया। उसके बाद मैं दिल्ली अपोलो आया और यहाँ पर डॉक्टर चंचल पाल ENT स्पेशलिस्ट को मैंने दिखाया, क्योंकि ये नोज रिलेटेड इशू है। उन्होंने पहले कुछ टेस्ट कराए थे जिनमें उनको डाउट दिया गया था कि नाक में कहीं कुछ मांस है। इन पेशेंट को मैंने देखा और मेरे को पता लगा कि इनके नाक में कुछ मांस भी है CT स्कैन से, और हमने उनको कहा कि हमको इसकी चेकअप करना होगा। वो उसी दिन इस चीज़ के लिए तैयार हो गए। हुआ ये कि जैसे सर्दी जुकाम साइनस होता है, ऐसा मुझे भी था, जैसा कई लोगों को होता है, तो अंदाज़ा भी नहीं हुआ इसका कि ये इसमें इस तरह से साइनस से ट्यूमर बन जाएगा। अब इन पेशेंट के लिए हमें ये पता करना था कि ये दिमाग से नाक में आया है या नाक से दिमाग की तरफ गया है। उसके लिए एक बायोप्सी लेना ज़रूरी था, जो उसके लिए भी तुरंत आनंद फानंद में तैयार हो गए और नेक्स्ट डे हमने उनकी बायोप्सी ली और बायोप्सी बड़े ध्यान से लेके भेजी। उसके साथ उसी दिन हमें पता पड़ा कि उनके नाक में एक बहुत बड़ी पथरी भी थी, जिसे राइनोलिथ कहते हैं, जो कई सालों से पड़ी थी, जो हम कैंसर को कवर कर रही थी। अब ये नहीं कहा जा सकता कि पथरी से कैंसर हुआ या अदरवाइज हुआ। यहाँ पे जो डॉक्टर चंचल पाल है, ENT टीम बनाई, टीम में डॉक्टर अजय गुप्ता ऑन्कोलॉजी की तरफ से थे, डॉक्टर GK जादव एंड डॉक्टर सपना रेडिएशन डिपार्टमेंट से, और डॉक्टर LR सेठ आई डिपार्टमेंट से। ये ट्यूमर जो है दवाइयों से और रेडियोथेरेपी से रिस्पॉन्ड करते हैं, और उनकी रेडियोथेरेपी हुई और कीमोथेरेपी हुई दोनों, और पेशेंट बहुत रेगुलर रहे। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत तत्परता से ध्यान दिया और मैं बीच बीच में मेरे को दिखाते रहे और एंडोस्कोपी करके हम देखते रहे, और आज की तारीख में कल ही की एंडोस्कोपी, आज सुबह की इनफेक्ट एंडोस्कोपी करने से पता लगा कैंसर, जिसको हम उनको पेशेंट को कहा था कि 1-1.5 साल में आप ठीक हो जाएंगे, विद इन 6 मंथ आज की तारीख में नाक के अंदर कैंसर का नामो निशान नहीं है। अभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं है, और मेरा शुरू से अभी तक ट्रीटमेंट में भी खाने पीने से लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है।